हेलो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और बेटा, मैं स्वागत करता हूँ आपका ब्लूप्रिंट डिजिटल पर। मेरा नाम है वसीम चौहान और मैं हूँ आपका विज्ञान का टीचर। क्लास टेन का साइंस अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और साइंस में बेटा हम जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं और जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इंग्लिश में कहा जाता है। आज ये भाग फोर्थ रहेगा। इस भाग में मैं आपको अंतःस्रावी तंत्र के बारे में पढ़ाऊंगा। अंतःस्रावी तंत्र बेटा मैं आपको थोड़ा सा बता चुका पहले कि अंतःस्रावी तंत्र हमारा एक ऐसा तंत्र है जो शरीर को नियंत्रित एवं समन्वय करने में सहायता करता है। ठीक है, तो बेटा आइए शुरू करते हैं। आपको रजिस्टर और पेन साथ में लेकर बैठना है, चीज़ों को बिल्कुल फोकस के साथ नोट करते जाना है। तो हेडिंग लिखिए बेटा, अंतःस्रावी तंत्र। देखो हमारा शरीर जो है बहुत जटिल है ना, उसको नियंत्रित करना उसका और चीज़ों को समन्वयित करने में हमारे पास मतलब दो सिस्टम होते हैं, हमारे पास दो तंत्र हैं। एक हम बोलते हैं तंत्रिका तंत्र, जिसमें हमने मस्तिष्क और जो मेरुरज्जु है वो सब पढ़ा है। तो ये दोनों चीज़ जो है काफ़ी नहीं है हमें मतलब एक तरह से बॉडी को संतुलित करने के लिए। मस्तिष्क और मेरुरज्जु के अलावा हमें किसी एक और सिस्टम की ज़रूरत होती है जो कि शरीर को नियंत्रित कर जाए, उसी को बेटा हम बोलते हैं अंतःस्रावी तंत्र। तो अंतःस्रावी तंत्र क्या होगा, एक ऐसा तंत्र है जिससे हम अपने शरीर को नियंत्रित करते हैं और बहुत सारे जो कार्य करते हैं उन कार्य को ठीक से करने के लिए अंगों के बीच में एक समन्वय का स्थापन करते हैं। अच्छा, ये अंतःस्रावी तंत्र होता क्या है? देखो बेटा, हमारे शरीर में कुछ अंग पाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्लैंड। एक प्रकार के अंग हैं, ग्लैंड इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं ग्रंथियां। तो बेटा ग्रंथियां क्या होती हैं? ग्रंथियां हमारी जो है बेटा, आपको ध्यान रखना है कि कुछ इस तरह के अंग होते हैं जो कुछ रसायन पदार्थों को बनाते हैं। तो बेटा अब वो रसायन पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं, जैसा कि हमने जब मैं आपको जैव प्रक्रम पढ़ा रहा था तो वहां बताया था कि कुछ एंजाइम बनते हैं, कुछ रस बनते हैं, है ना, पाचक रस बनते हैं। तो ये भी हमारे क्या है, रसायन है। और इनके अलावा कुछ और भी केमिकल्स बनते हैं जो ग्रंथियां बनाती हैं, उनमें से एक रसायन होता है हार्मोन। हार्मोन का नाम आपने सुना होगा। तो हार्मोन जो है बेटा ये क्या करते हैं, इन्हीं ये हार्मोन एक तरह के रासायनिक दूत हैं, केमिकल मैसेंजर हैं, और हार्मोन्स की सहायता से ही हमारा शरीर बेटा क्या होता है, नियंत्रित होता है। तो ये जो हार्मोन है जो कि एक तरह के रासायनिक पदार्थ हैं, इनका निर्माण कहाँ पर होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में होता है। तो ग्रंथियां एक तरह के अंग हैं जो हार्मोन्स को बनाती हैं। और बेटा इन सारी कुछ ग्रंथियां हमारी ऐसी होती हैं, टोटल ग्रंथियां तीन प्रकार की होती हैं। एक होती है बाह्य स्रावण ग्रंथि। बाह्य स्रावण ग्रंथि मतलब जो वो रसायन पदार्थ बना रही हैं उनको मतलब एक तरह से उनका स्रावण करने के लिए उनके पास नलिकाएं होती हैं। तो ऐसी ग्रंथियां जिनके पास नलिकाएं होती हैं उनको बोलते हैं बाह्य स्रावण ग्रंथि। और जिनके पास नलिकाएं नहीं होती, जो भी उनके उन्होंने बनाया है रसायन पदार्थ वो उसको सीधा रक्त में रिलीज करती हैं, रक्त में छोड़ देती हैं, ऐसी ग्रंथियों को बेटा हम बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि हार्मोन जो है किस प्रकार की ग्रंथि द्वारा बनाए जाते हैं, तो बेटा आंसर होगा हमारा अंतःस्रावी ग्रंथियां। और बेटा तीसरे प्रकार की ग्रंथियां होती है मिश्रित ग्रंथियां। मिश्रित ग्रंथियां दोनों काम करेंगी, बाह्य श्रावण ग्रंथि की तरह भी काम करती हैं और अंतःस्रावण ग्रंथि की तरह भी काम करती हैं। आप एग्जाम्पल ध्यान रखना इसका, जैसे होता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को हम इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय, है ना, अग्नाशय दोनों काम करता है। वो जो हमारे पाचक रस हैं उनको भी बनाता है और जो हमारे हार्मोन है बेटा उनको भी बनाता है। ठीक है, तो बस अभी तक मैंने ये बताया आपको कि ग्रंथियां क्या होती हैं और मतलब कितने प्रकार की होती हैं। तो अल्टीमेटली हम टॉपिक पर आते हैं, अंतःस्रावी तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से मिलकर बनता है। और ये ग्रंथियां क्या बनाएंगी बेटा, हार्मोन बनाएंगी। तो इस पूरे टॉपिक में हमें ये पढ़ना है कि ग्रंथियां जो हैं वो कौन कौन से हार्मोन बना रही हैं, इन ग्रंथियों की लोकेशन कहाँ पर है, ये कहाँ पर स्थित हैं, और ये जो हार्मोन बनाएंगी इनके कार्य क्या है बेटा। ठीक है, तो बेटा आपको हेडिंग लिखनी है अंतःस्रावी ग्रंथियां, है ना, उनकी स्थिति तथा उनके हार्मोन्स के कार्य। पहली जो अंतःस्रावी ग्रंथि है तो बेटा उसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, देखो ये कुछ ऐसे वर्ड आएंगे जो आपने शायद पहले नहीं सुने होंगे, तो उनको आपको बार बार बोल बोल के बेटा याद करना है। तो हाइपोथैलेमस जो है, जब मैं आपको मस्तिष्क पढ़ा रहा था वहां भी इसका जिक्र आया था, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारा जो मस्तिष्क होता है उसका अग्रभाग का हिस्सा होता है। तो ये हमारा इसका मतलब ऐसा हिस्सा होगा कि जो मस्तिष्क से भी जुड़ा है और एक तरह से ग्रंथि भी है। तो पहली ग्रंथि का नाम बेटा क्या है, हाइपोथैलेमस। आपको हर एक ग्रंथि के बारे में तीन चीजें याद रखनी है, एक तो ग्रंथि का नाम, एक उस ग्रंथि की बेटा मतलब स्थिति क्या है, स्थिति मतलब कहाँ पर स्थित है, लोकेशन क्या है, और उसका हार्मोन, उसका कार्य है कि ये ग्रंथि कौन सा हार्मोन बनाएगी, इससे कौन सा हार्मोन निकलेगा और उस हार्मोन का कार्य क्या होगा। ठीक है बेटा,
तो ये हाइपोथैलेमस है बेटा ग्रंथि, और बात समझो यहाँ से जो इसकी स्थिति कहाँ पर स्थित है ये बेटा हमारा मस्तिष्क में होती है। कहाँ पर होती है? मस्तिष्क में होती है, मस्तिष्क में बेटा ये स्थित होती है। और अगर मैं पूछूंगा आपसे कि इसके हार्मोन, देखो हार्मोन ऐसा वर्ड है, इंग्लिश में लिखो या हिंदी में लिखो मतलब सेम ही होता है ना। तो हार्मोन का नाम जो है बेटा उसको बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन, RH कहते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश यहाँ भी नाम सेम ही है। तो बेटा ये हार्मोन आप प्लीज ध्यान रखना, नाम है रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन का कार्य मैं बता रहा हूँ आपको। देखो एक ग्रंथि पढ़ेंगे हम इसके बाद, उसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के जो हार्मोन है उनका नियंत्रण है ना, उनके पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के स्रावण का नियंत्रण, के पीयूष ग्रंथि के जो हार्मोन निकल रहे हैं वो कितने अमाउंट में निकलने चाहिए, तो उनके स्रावण का नियंत्रण बेटा ये हार्मोन करता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि पीयूष ग्रंथि जो है बेटा, अभी पढ़ेंगे हम बाद में इसके बाद, वही टॉपिक है पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि के कुछ हार्मोन है जो निकलते हैं, तो उन हार्मोन्स को कंट्रोल कौन करता है? उसका नाम है बेटा हाइपोथैलेमस। और ये कैसे करती है? अपने इस हार्मोन्स की सहायता से। मेरी बात बेटा आप समझना और ठीक से नोट करना कि रिलीजिंग हार्मोन जो है बेटा पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स के हार्मोन के स्त्रावण का नियंत्रण करता है। ठीक है, ये बात याद होगी आपके। सेकंड जो बेटा मैं आपको बता रहा हूँ ग्रंथि, उसको मैं पीयूष ग्रंथि कहता हूँ। पीयूष ग्रंथि सुपर इंपोर्टेंट है, इंग्लिश में इसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। तो पीयूष ग्रंथि के बारे में मैं आपसे बताऊंगा पहले स्थिति के लोकेशन, मतलब कहाँ पर स्थित है बेटा। ये बिल्कुल हाइपोथैलेमस के नीचे होती है, मतलब ये भी हमारा मस्तिष्क में स्थित है। ठीक है, ये भी कहाँ पर होती है? मस्तिष्क में। और बेटा इसमें बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं। पहले एक हार्मोन देखो जो इसका मुख्य हार्मोन है बेटा, उसको हम बोलते हैं वृद्धि हार्मोन। देखो वृद्धि हार्मोन जो है इंग्लिश में इसको कहा जाता है ग्रोथ हार्मोन। तो वृद्धि हार्मोन के नाम में वृद्धि आ रहा है, ग्रोथ आ रहा है, यानी कि ये हार्मोन हमारे शरीर का विकास करता है, वृद्धि होती है ना, इसलिए इसको ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। बचपन में अगर इस हार्मोन का स्त्रावण कम हो रहा है शरीर में, बच्चों के अगर ये कम बन रहा है तो उससे बीमारी हो जाती है, और बच्चों का विकास नहीं हो पाता उतना, और बीमारी हो जाती है बौनापन है ना, ड्वार्फिज्म कहते हैं उसको। ठीक है, तो अगर ये वृद्धि हार्मोन बेटा क्या हो रहा है, अगर ये वृद्धि हार्मोन जो है कम बन रहा है, ये तीर का निशान नीचे को बनाया इसका मतलब कम बन रहा है मानो, तो वहां से बेटा क्या आता है? बोनापन आता है। ठीक है, बोनापन आता है, इसको ड्वार्फिज्म कहा जाता है इंग्लिश में। और अगर ये वृद्धि हार्मोन वो ज्यादा बनने लग जाता है शरीर में बचपन में ही, तो बेटा वहां से क्या होता है, फिर शरीर जो है बहुत विशाल हो जाता है, महाकाय, उसको बीमारी को बोलते हैं महाकाय है ना बेटा, या महाकायता, महाकायता कहा जाता है, मतलब अंग जो है बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं दानों टाइप, और इंग्लिश में इसको गिगेंटिज्म भी कहते हैं। ठीक है बेटा, जिजेंटिज्म या गिगेंटिज्म बात एक ही होगी। तो आप ये ध्यान रखना कि वृद्धि हार्मोन क्या होता है। ठीक है, अभी इसके बहुत सारे हार्मोन हमें पढ़ने हैं। पीयूष ग्रंथि बेटा आपको काफी ठीक से पढ़नी है ये। तो वृद्धि हार्मोन आपने याद किया, अभी कहानी कुछ ये चलती है कि जो पीयूष ग्रंथि होती है उसको हमने दो भाग में विभाजित किया है। ठीक है बेटा, तो पीयूष ग्रंथि को मैं थोड़ा ठीक से आपको लिखा रहा हूं। तो बेटा ये है पीयूष ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि के मैं बता रहा हूँ आपसे दो भाग हैं। एक बेटा इसका अग्रभाग है, अग्रभाग मतलब आगे वाला भाग, और बेटा इसका कौन सा है? पश्च भाग है, पश्च भाग मतलब पीछे वाला भाग। कुछ हार्मोन आगे वाले भाग से निकलते हैं, कुछ हार्मोन इसके पीछे वाले भाग से निकलते हैं। तो बेटा देखते हैं कौन कौन से भाग से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं एंटीरियर लोब, और इसको बोलते हैं पोस्टीरियर लोब। ठीक है बेटा, अब कहानी बेटा कुछ ये चलती है कि अगर भाग से देखो हार्मोन के नाम आपको याद रखते जाना है प्लीज। अच्छा एक बात और सुनो ध्यान से, कि जो पीयूष ग्रंथि होती है इसको हम जो है बेटा मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मास्टर ग्रंथि इसको क्यों क्यों कहा जाता है ना। मैं क्या बता रहा हूँ कि इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। वजह ये है कि ये जो ग्रंथि है इसके जो हार्मोन है उन हार्मोन्स की सहायता से बाकी जो अन्य हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनके हार्मोन्स को नियंत्रित करती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। वजह इसकी ये है कि ये अपने हार्मोन्स के द्वारा अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन्स को नियंत्रित करती है, उनके स्रावण का नियंत्रण करती है, इसलिए इसको कहते हैं बेटा मास्टर ग्लैंड। अच्छा ठीक है, अब इन हॉर्मोन्स की सहायता से बाकी ग्लैंड को कंट्रोल करने वाली है। ठीक है बेटा, तो अगर भाग में जो पहला हॉर्मोन निकलेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी फेमस है, उसको बोलते हैं TSH। TSH का नाम ध्यान रखोगे, टी से बनता है थायरॉइड, थायरॉइड स्टिमुलेटिंग, थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन। बेटा कुछ नया नाम लग रहा हो आपको तो दो तीन बार आप बोल दोगे याद हो जाएगा, थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन। अब नाम में थायरॉइड आ गया है,
यानी ये ऐसा हार्मोन होगा जो एक ग्लैंड आगे आएगी, इसको बोलेंगे हम थायरॉइड। तो जो थायरॉइड ग्लैंड के हार्मोन है उनका नियंत्रण ये हार्मोन करेगा, या मैं कहूँगा कि पीयूष ग्रंथि अपने इस हार्मोन की सहायता से थायरॉइड ग्लैंड के हार्मोन्स का नियंत्रण करती है ना बेटा। तो बेटा यहाँ पर मैं इसका कार्य लिख रहा हूँ कि जो थायरॉइड ग्रंथि के जो बेटा हार्मोन है, थायरॉइड ग्रंथि के हार्मोन का नियंत्रण, तो उनका नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, TSH के द्वारा किया जाता है। TSH की फुल फॉर्म ध्यान रखोगे आप, थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दूसरा बेटा मैं आपको बता रहा हूँ ACTH हार्मोन है जो हमारा अग्र भाग से निकलता है पीयूष ग्रंथि के। अच्छा इसका नाम देखो, इसको बेटा हम बोलते हैं एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक। देखो एक दो बार बोल दो कि मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ा सा ये आपको नया नाम लग रहा होगा, लेकिन ये इजीली याद हो जाएगा, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। बेटा कभी कभी यहाँ पर आपको कोर्टिकोट्रोपिन भी मिल जाएगा, तो एक ही बात होगी, वो नाम में कोई फर्क नहीं आएगा। तो एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है इसका काम क्या है बेटा, एक हमारी ग्रंथि और होती है उसको बोलते हैं एड्रेनल ग्रंथि, एड्रेनल ग्लैंड। तो जो हमारी एड्रेनल ग्रंथि है उसके जो हार्मोन है, तो बेटा उसके हार्मोनों का जो नियंत्रण है वो इस हार्मोन के द्वारा किया जाता है, इसका नाम होता है ACTH। तो दो हार्मोन मैंने आपको बताया, TSH थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिन या कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है बेटा, नाम याद हो गया आपके। तीसरे हार्मोन की तरफ अब बेटा हम बढ़ रहे हैं। देखो तीसरा जो बेटा हार्मोन यहाँ पर आएगा उसको हम बोलते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये बहुत मतलब फेमस है काफी, इसका नाम क्या बेटा, प्रोलैक्टिन हार्मोन। नाम हिंदी और इंग्लिश में सेम है इसलिए मैं बेटा यहाँ इंग्लिश में लिख रहा हूँ, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का काम क्या होता है, पीयूष ग्रंथि अपने इस हार्मोन्स की सहायता से जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं में जो बेटा दूध होता है बच्चों के लिए, उनके शरीर में बेटा कुछ दूध का उत्पादन होता है, तो दूध के उत्पादन का नियंत्रण करती है ना बेटा। तो ध्यान रखना कि ये महिलाओं में होता है, यानी कि ये वाला हार्मोन जो है कहाँ पर होगा, सिर्फ महिलाओं में होगा। तो इससे क्या होगा कि जो दूध का उत्पादन है, मतलब महिलाओं के शरीर में दूध के उत्पादन का क्या होता है, नियंत्रण होता है। तो बेटा ये मैंने तीन हार्मोन अभी आपको बताए हैं, पहला है हमारा TSH, उसके बाद मैंने बताया ACTH, और फिर उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, प्रोलैक्टिन। देखो नेक्स्ट जो हार्मोन बेटा हमारा है, फोर्थ हार्मोन आएगा उसको बोलते हैं FSH, और फिफ्थ हार्मोन है उसको बोलते हैं LH। पहले का नाम देखो एक बार, इसको जो है पहले वाले का नाम बेटा फॉलिकल या फॉलिसिल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है बेटा, और अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसका नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो बेटा बस आपको ये हार्मोन के नाम लिख लिख कर याद करने हैं। पहला मैंने जो आपको बताया उसको FSH बोलते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये इन दोनों हार्मोन्स का बेटा काम एक ही है ना, ये दोनों हार्मोन जो है एक ही मतलब इनके काम है। देखो हमारे शरीर में कुछ ग्लैंड होती है, कुछ ग्रंथि होती है जिनको हम बोलते हैं गोनेड्स। गोनेड्स का मतलब होता है जनन ग्रंथियां। जनन ग्रंथियां मतलब जो हमारे सेक्स ऑर्गन होते हैं, जैसे महिलाओं के केस में होगा मतलब अंडाशय, और जो मतलब यू नो मेल होते हैं, पुरुष होते हैं, तो वहां पर होते हैं टेस्टिस। ठीक है बेटा, तो उनमें जो हार्मोन बन रहे हैं पुरुषों और महिलाओं में, जो उनके मतलब समझो सेक्स ऑर्गन है, वहां पे जो हार्मोन बन रहे हैं, उन हार्मोन्स का नियंत्रण जो है इन दो हार्मोनों द्वारा किया जाता है पीयूष ग्रंथि के, है ना बेटा। तो ये सुपर इम्पोर्टेंट बात है, आप इसको प्लीज नोट करते जाओ। यहाँ पे इसका जो अग्र भाग है वो पूरा हो जाता है, अभी हम पढ़ने वाले हैं पश्च भाग के हार्मोन। तो बेटा अब हम देखते हैं पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से जो हार्मोन बनते हैं उनके नाम क्या है और उनके कार्य क्या है। देखो पहला हार्मोन जो यहाँ पर आएगा उसको बोलते हैं वैसो, बेटा ये नाम प्लीज आपको बार बार लिख लिख के याद करने हैं वरना याद नहीं हो पाएंगे, वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन कहते हैं, या इसका दूसरा नाम भी है बेटा, इसका दूसरा नाम भी है, अथवा इस हार्मोन को हम ADH भी कहते हैं, ADH इसको नाम है पूरा ADH का, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ठीक है बेटा, लिख लिख के प्लीज बोल के लिख लिख के आपको ये पूरे नाम याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये नॉलेज के लिए भी जरूरी है और एग्जाम में बेटा क्वेश्चन यहाँ से आता है।
तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पश भाग का पहला हार्मोन है वासोप्रेसिन, या दूसरा नाम इसका है एडीएच, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। अब इसका कार्य सुन लो कि ये दोनों हार्मोन, या मतलब एक ही नाम है, ये तो एक ही हार्मोन है, इसका कार्य क्या है। देखो कार्य क्या है कि जो हमारा किडनी होती है, वृक्क कहते हैं इसको हम हिंदी में, तो किडनी में क्या होता है कि जो हमारा रक्त है ना बेटा, उसका एक तरह से मतलब फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। अब किडनी में जो है जल की कमी, यानी कि जल का संतुलन बनाने के लिए ये हार्मोन हमारा कार्य करता है, ठीक है। तो जल का संतुलन बनाएगा किडनी में, या मैं कहूंगा जो मूत्र होता है, तो मूत्र में जल का नियमन, जो मेन मुख्य कार्य क्या है इसका बेटा, किडनी में जो मूत्र का निर्माण हुआ है, तो बेटा मूत्र में, आप मूत्र में आपको पता है कि ज्यादातर क्या होता है, जल होता है, जो यूरिन होता है उसमें ज्यादातर वाटर होता है ना। तो मूत्र में जल का नियमन मतलब के वाटर लेवल को कंट्रोल करता है यूरिन में, है ना। या मैं इनडायरेक्टली ये भी कह सकता हूँ ना कि फिर ये हॉर्मोन हमारे शरीर में जल, जो हमारा जल का संतुलन है उसको बनाए रखता है, बॉडी में वाटर बैलेंस को बनाए रखता है। तो बेटा ये था हमारा पश्चभाग का पहला हॉर्मोन जिसका नाम है वैसोप्रेसिन या एंटी ड्यूरेटिक हॉर्मोन। बेटा नेक्स्ट हॉर्मोन जो आएगा पश्चभाग से ही, लास्ट हॉर्मोन रहेगा वो इसका बेटा, उसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। तो प्लीज लिखिए ऑक्सीटोसिन, सेकेंड हॉर्मोन है पश्चभाग का ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ये रहा ऑक्सीटोसिन बेटा, ऑक्सीटोसिन का कार्य देखो, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, इसको हम बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, जन्म हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है, जन्म हार्मोन। अब से जन्म हार्मोन क्यों कह रहे हैं इसको हम, क्योंकि ये जब बच्चा जन्म ले रहा होता है उस टाइम जो बेटा जो हमारा माता होती है, मदर होती है, तो उसका जो गर्भाशय है ना बेटा, तो गर्भाशय की जो मसल्स है, मांसपेशियां हैं, उनको ये संकुचित करने में और रिलैक्सेशन करने में हेल्प करता है। तो मतलब मांसपेशियों को ये क्या करता है, नियंत्रित करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जन्म हार्मोन कहते हैं, है ना बेटा। तो ये ध्यान रखना आप कि ये बच्चे को जन्म दिलाने में थोड़ा सा बेटा क्या करता है, सहायता करता है, कैसे करता है, गर्भाशय की मांसपेशियों को बेटा एक तरह से संकुचित करके, ठीक है। और सेकेंड जो है, अभी हमने बताया था प्रोलैक्टिन के बारे में, प्रोलैक्टिन हार्मोन था जो महिलाओं में दूध उत्पादन को क्या कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है। अब दूध उत्पादन तो हो गया, लेकिन दूध का शरीर से बाहर आना, दूध क्षेपण कहेंगे उसको, तो मतलब मिल्क इजेक्शन, इजेक्शन मतलब बाहर आना होता है, तो दूध का बाहर आना बेटा शरीर से, जिससे कि बच्चा उसको पी सके, तो वो इसी हार्मोन के नियंत्रण में होता है। यानी कि मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ कि महिलाओं के शरीर में जो दूध बना था, प्रोलैक्टिन हार्मोन ने वहां पर सहायता की थी, यहाँ पर दुग्ध क्षेपण कहूंगा मैं, दुग्ध क्षेपण, और बेटा इसको इंग्लिश में कहा जाएगा मिल्क इजेक्शन। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कौन सा है, दुग्ध क्षेपी हार्मोन कौन सा है, तो आंसर क्या होगा बेटा इसका, ऑक्सीटोसिन होगा, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रोलैक्टिन जो है वो दूध बनाता है शरीर में, जो मेमरी ग्लैंड है उनको एक तरह से नियंत्रित करके दूध का निर्माण कराता है प्रोलैक्टिन, जो कि बनता है अग्रभाग में हार्मोन। और ये जो बेटा पश्च भाग का हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, ये क्या करता है, जो मिल्क बना है उसका क्षेपण, उसको बाहर निकालने में सहायता करता है, ठीक है बेटा। तो ये हमने सारे हार्मोन पढ़े हैं बेटा पीयूष ग्रंथि के। एक बार तेजी के साथ बेटा अगर मैं पूछूं कि पीयूष ग्रंथि के सारे हार्मोन कौन से हैं, उनके नाम बताओ, तो देखो टोटल हार्मोन जितने मैंने आपको बताए हैं पीयूष ग्रंथि के, पहला जो हार्मोन है बेटा उसको मैंने कहा है ग्रोथ हार्मोन, इसको हिंदी में कहा है बेटा मैंने, क्या हिंदी में इसको मैं बोलूंगा वृद्धि हार्मोन, ठीक है, साथ साथ में याद करते चलना। उसके बाद मैंने आपको बताया था टीएसएच, टीएसएच का मतलब था थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। उसके बाद मैंने बताया आपको एसीटीएच, एसीटीएच का मतलब था एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। उसके बाद बेटा मैंने आपको बताया था यहीं पे प्रोलैक्टिन, और फिर मैंने दो बताया आपको एफएसएच, और बेटा फिर बताया था एलएच। ये सारे जो हार्मोन थे ये हमारे अग्रभाग के थे, ठीक है बेटा। उसके बाद अभी हमने जो पश्च भाग के दो हार्मोन पढ़े हैं बेटा, एक का नाम था एडीएच, एडीएच या वैसोप्रेसिन, और अभी मैंने आपको बताया ऑक्सीटोसिन। तो ये सारे के सारे हार्मोन हमारे बेटा जितने भी टोटल हैं ये सारे पीयूष ग्रंथि के हैं, और पीयूष ग्रंथि ज्यादातर हॉर्मोन्स की सहायता से वो बाकी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट ग्रंथि जो मैं आपको बताने वाला हूँ, देखो वो भी हमारा ब्रेन में ही होती है, मतलब मस्तिष्क में मिलती है, उसको बोलते हैं पीनियल ग्रंथि, है ना बेटा। तो नेक्स्ट ग्रंथि लिखिए पीनियल, तो बेटा ये मैंने लिखा है यहाँ पर कौन सी, पीनियल ग्रंथि, और इंग्लिश में बेटा इसको कहा जाता है पीनियल ग्लैंड, ये वाला पीनियल ग्लैंड। अब फिर पूछेगा लोकेशन, इसकी स्थिति कहाँ पर मिलती है ये,
तो बेटा ये भी हमारा कहाँ मिलती है, मस्तिष्क में मिलती है। तो यानी कि तीन ग्रंथि ऐसी हैं जो मस्तिष्क में पाई जाती हैं, पहली का नाम है हाइपोथैलेमस, दूसरे का नाम है पीयूष और तीसरी का नाम है बेटा पीनियल ग्रंथि। इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना, बहुत कम पढ़ना है आपको इसमें। बेटा मस्तिष्क में मिलती है। अब यहाँ से क्या पूछा गया यहाँ से आपसे, वो हार्मोन का नाम बताओ। तो बेटा हार्मोन देखो यहाँ कौन सा मतलब इसमें मिलता है बेटा, उसको बोलते हैं मेलाटोनिन। ये नाम ध्यान रखोगे प्लीज आप, मेलाटोनिन, ये मेलाटोनिन हार्मोन है। क्या है ये? मेलाटोनिन हार्मोन है। इसका कार्य क्या है, क्या काम करता है हमारे शरीर में? तो ये बेटा जो हमारा स्लीप वेक साइकिल है, हम सो जाते हैं और जाग जाते हैं, आपने देखा होगा, क्योंकि ये अलार्म से पहले हमारी एक दो मिनट पहले, पाँच छः मिनट पहले खुद ही आप खुल जाती हैं। तो ये हमारे जो स्लीप वेक साइकिल है, जो नींद और जागने का चक्र है, उसको नियंत्रित करता है। ठीक है बेटा, तो एक तरह से हमारी किसको करता है, नींद को नियंत्रित करता है, मैं ये भी कह सकता हूँ, है ना बेटा। तो मैं क्या कहूँगा बेटा कि ये हमारा निद्रा को नियंत्रित करता है। तो ये बहुत सिंपल है बेटा। तो हार्मोन का नाम ध्यान रखना मेलाटोनिन होता है। ठीक है, तो मस्तिष्क में जितनी भी ग्रंथि थी बेटा, वो हमारी पूरी हो चुकी है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ बेटा। अब हम जो है गले की ग्रंथि में आएंगे, जो हमारा नेक होती है, नेक रीजन में कौन कौन सी ग्रंथि मिलती है। तो बेटा पहली ग्रंथि जो मिलेगी नेक में, उसको मैं बोलता हूँ थायरॉइड ग्लैंड। तो बेटा हेडिंग लिखिए आप थायरॉइड, हिंदी में लिख रहा हूँ उसको मैं यहाँ पर। तो बेटा हम पढ़ेंगे थायरॉइड। तो थायरॉइड ग्रंथि बेटा, ये मैंने क्या लिख दिया है, थायरॉइड ग्रंथि इंग्लिश में कहते हैं थायरॉइड ग्लैंड। अब इसकी पहले स्थिति मतलब ये कहाँ पर मिलती है? तो बेटा ये गले में मिलती है हमें, है ना। तो जो गर्दन है, गला है या नेक है, तो बेटा वहां पर पाई जाती है गले में, नेक में। इसके हार्मोन इंपोर्टेंट हैं, हार्मोन के नाम बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हैं। बेटा देखो पहला जो हार्मोन यहाँ मिलेगा, उसका इंग्लिश और हिंदी में नाम सेम है, उसको बोलते हैं कैल्सिटोनिन। बेटा पहला जो हार्मोन, उसका नाम क्या है? कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन एक दो बार बोल दो, कैल्सिटोनिन आपके याद हो जाएगा। क्या बेटा इसका नाम? कैल्सिटोनिन। देखो कैल्सिटोनिन क्या करता है, जो हमारे शरीर में कैल्शियम और फॉस्फेट है बेटा, दो चीज होती हैं ब्लड में, कह लो रक्त में, कैल्शियम और फॉस्फेट। तो उसका लेवल अगर बढ़ जाता है हमारे शरीर में, रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट का स्तर अगर बढ़ जाता है, तो उसके स्तर को कम कर देता है। ठीक है बेटा, तो कैल्शियम और फॉस्फेट के स्तर को तो बेटा क्या करेगा, ये कम करता है। ठीक है, तो कैल्सिटोनिन का काम ध्यान रखना। ये पहला हार्मोन था जो किसका है, थायरॉइड ग्रंथि का है बेटा। उसके बाद जो इसका हार्मोन आते हैं, दो हार्मोन आएंगे बेटा, एक को बोलते हैं थायरोक्सिन, एक को क्या बोलते हैं, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन का बेटा दूसरा नाम और भी है, थायरोक्सिन को हम जो है T4 भी कहते हैं। इसका नाम एक दूसरा क्या होता है, T4। और एक हार्मोन इसमें और होता है बेटा, उसको बोलते हैं ट्राई आयोडो थायरोनाइन। ये नाम ध्यान रखना प्लीज, ट्राई आयोडो थायरोनाइन। और इसका आसान नाम होता है T3, यानी कि T3 और T4 ज्यादा जो प्रचलित है, T3 और T4 के नाम से फेमस है। लेकिन एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ कि T3 का पूरा नाम क्या है, ट्राई आयोडो थायरोनाइन। और T4 का नाम क्या बेटा, थायरोक्सिन है। अब ये दोनों हार्मोन आपस में मिलकर काम करते हैं, T3 और T4 क्या काम करते हैं, ये हमारे शरीर में जो प्रोटीन है, जो वसा है, जो कार्बोहाइड्रेट है, उनका उपापचन होता है ना। उपापचन मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है। तो बेटा मेटाबॉलिज्म होता है उनका, उसमें क्या करते हैं, सहायता करते हैं। मतलब बात समझो कि कार्बोहाइड्रेट की कमी तो नहीं हो गई है, प्रोटीन की कमी तो नहीं हो गई है ना, वसा की कमी तो नहीं हो गई है, तो उनका उपापचन करने में ये सहायता करते हैं। तो है बेटा इनका फंक्शन ध्यान रखना कि जो वसा है और जो हमारा क्या बेटा कार्बोहाइड्रेट है, वसा, कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन, तो बेटा इन सब का उपापचन करने में क्या करते हैं, सहायता करता है। तो मैंने तीन हार्मोन बताया आपको थायराइड ग्रंथि के, पहले का नाम था कैल्सिटोनिन, उसके बाद मैंने बताया थायरोक्सिन, उसके बाद मैंने बताया बेटा आपको ट्राईआयडो थायरोनाइन। T3 T4 कहते हैं इनको, इसको T3 इसको T4। तो बेटा ये थी हमारी थायराइड ग्रंथि। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, होगा क्या कि ये जो हमारा थायरोक्सिन हार्मोन है, अब कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको मतलब एग्जाम के पॉइंट व्यू से और ज्यादा ध्यान रखनी है। थायरोक्सिन हार्मोन जो बनता है, वो तब बनता है ज्यादा अगर हमारे शरीर में आयोडीन की मतलब मात्रा पूरी है, आयोडीन जो नमक में होता है ना, तो आयोडीन एक तरह का खनिज है ना बेटा, तो तत्व है एक तरह का जो हमें मिलना चाहिए। तो अगर आयोडीन की कमी है खाने में, तो ये थायरोक्सिन बन नहीं पाता है, तो थायरोक्सिन नहीं बन पाएगा तो उससे बीमारी हो जाएगी। और वो बीमारी क्या होती है कि जो हमारा गला है, वो गला फूलने लग जाता है,
है ना बेटा। तो ये आप ध्यान रखना कि उसको हम मतलब समझो बीमारी होती है कि जो गला होता है, गले के जो पाइप होते हैं, नलिकाएं होती हैं, वो हमारा बेटा क्या हो जाती हैं, फूलने लग जाती हैं। ठीक है, तो ये बीमारियों के लिए मैं एक अलग से हिस्सा बनाऊंगा कि कौन कौन से हॉर्मोन की कमी से कौन कौन सी बीमारियाँ हो जाती हैं। ठीक है बेटा, तो अभी के लिए बस इतना ही ध्यान रखना है कि थायरोक्सिन के लिए आयोडीन का होना जरूरी होता है शरीर में। तो बेटा ये हमने पढ़ा थायराइड के बारे में। नेक्स्ट ग्लैंड जो हमारी आ रही है बेटा, उसको बोलते हैं हम पैरा थायरॉइड ग्रंथि। नाम बेटा इंग्लिश और हिंदी में सेम है, इसलिए मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, पैरा थायरॉइड ग्रंथि। तो पैरा थायरॉइड ग्रंथि हमारी चार होती हैं, और जहां पर ये थायरॉइड ग्रंथि थी उसके जस्ट ऊपर मिलती है ये। तो बेटा इसका नाम क्या होगा, पैरा थायरॉइड ग्रंथि। चार ग्रंथि होंगी, इनकी संख्या चार होती है, और बेटा इनका हार्मोन जो है एक ही हार्मोन है यहाँ पर, ध्यान रखना नाम उसका, उसको बोलते हैं पीटीएच। पीटीएच का मतलब पैरा, इसी के नाम पे हार्मोन भी है, पैरा थायरॉइड हार्मोन, पैरा थायरॉइड हार्मोन। तो बेटा ये पैरा थायरॉइड हार्मोन जो है इसका कार्य क्या है, देखो इसका कार्य हमारा जस्ट जो कैल्सिटोनिन था उसका उल्टा काम है। मतलब कैल्सिटोनिन ने क्या किया था, कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को, स्तर को कम कर दिया था रक्त में या हमारे शरीर में। ये क्या करता है, जब शरीर में कैल्शियम या फॉस्फेट की कमी हो जाती है तो उसके स्तर को बेटा क्या कर देता है, बढ़ा देता है। यानी इसका कार्य क्या है, कैल्शियम और जो फॉस्फेट है ना बेटा, कैल्शियम और फॉस्फेट है उसके बेटा स्तर को ये क्या कर देगा, बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देता है ना। तो मतलब कैल्सिटोनिन का बिल्कुल विपरीत काम कर रहा है, नाम क्या है इसका बेटा, पैरा थायरॉइड। ठीक है बेटा, तो पैरा थायरॉइड हॉर्मोन है ना, और ये कहाँ से निकलता है, पैरा थायरॉइड ग्रंथि से निकलता है। तो इतना ही था ये। अभी नेक्स्ट हम एक ग्रंथि पढ़ने वाले हैं बेटा, उसको बोलते हैं थाइमस। तो बेटा नेक्स्ट हम लिखो, हिंदी में इसको थाइमस ही कहेंगे, थाइमस ग्रंथि। तो थाइमस ग्रंथि की लोकेशन देखो, ये हमारा गले से नीचे जब आएंगे हृदय के पास, यानी कि चेस्ट कैविटी में मिलती है। तो बेटा इसकी लोकेशन ध्यान रखना कि ये कहाँ मिलती है, हृदय के पास मिलती है ना बेटा, जो हृदय के बिल्कुल निकट वाला क्षेत्र है वहां पे पाई जाएगी। और बेटा इसका हार्मोन आप ध्यान रखोगे, थाइमोसिन, थाइमोसिन नामक बेटा इसमें हार्मोन मतलब यहाँ से निकलता है, थाइमोसिन हार्मोन। अच्छा थाइमोसिन हार्मोन का कार्य क्या है, ये इसका कार्य मतलब समझो ये ग्लैंड बहुत महत्वपूर्ण भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पढ़नी तो है ही। तो बेटा इसका थाइमोसिन का कार्य क्या है, जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाता है ना बेटा। तो ध्यान रखना कि ये क्या करता है, जो रोग मैं लिख दिया बेटा आपके लिए यहाँ पर, रोग प्रतिरोधक क्षमता, एक तरह से जो इम्यूनिटी होती है उसको इंक्रीज करता है ना बेटा। तो ये ध्यान रखना, बिल्कुल छोटा सा मतलब ये टॉपिक है थाइमस, और थाइमस का हॉर्मोन का नाम क्या है, थाइमोसिन। बेटा नेक्स्ट हम जो ग्लैंड पढ़ने वाले हैं उसको हम बोलते हैं पेनक्रियाज, या उसको क्या बोलते हैं, अग्नाशय। तो आइए देखो, जब मैं आपसे अग्नाशय ग्रंथि की बात करूंगा, अग्नाशय ग्रंथि को इंग्लिश में हम बेटा क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज कहते हैं। अच्छा पैनक्रियाज तो हम पहले पढ़ चुके हैं जैव प्रोग्राम में, जब मैं आपको पाचन पढ़ा रहा था वहां पे इसका जिक्र आया था, अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है, पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। इसका मतलब ये ग्रंथि दोनों काम करती है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बाह्यस्रावी ग्रंथि भी है ना, इसलिए इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं हम। ठीक है बेटा, अब जो हिस्सा अग्नाशय ग्रंथि का हॉर्मोन बनाता है, क्या बनाता है, हॉर्मोन बनाता है, उसका अपना एक नाम है। ठीक है बेटा, दो पार्ट होंगे इसके, एक हिस्सा काम करेगा बाह्य श्रावण ग्रंथि की तरह, एक काम करेगा अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह, मतलब वो हार्मोन बनाएगा। तो जो हार्मोन बना रहा है क्षेत्र इस ग्रंथि का, उसका खुद का एक नया नाम होता है। तो बेटा उसको बोलते हैं हम, इंग्लिश और हिंदी भी सेम है यहाँ पर, आइज दैट ऑफ लैंगर हांस ऑफ, और बेटा क्या कहेंगे इसको हम, ये तो थोड़ा लंबा सा नाम है, आइज दैट ऑफ लैंगर हांस ऑफ पैंक्रियाज। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आइज दैट ऑफ लैंगर हांस ऑफ पैंक्रियाज, हिंदी में इसको कह सकता हूँ पैंक्रियाज के द्वीपों का समूह, पैंक्रियाज के लैंगर हांस के द्वीपों का समूह। लेकिन आप इंग्लिश में ध्यान रखना, आइज दैट ऑफ लैंगर हांस ऑफ पैंक्रियाज क्या है, ये पैंक्रियाज या अग्नाशय ग्रंथि का वो क्षेत्र जहां से हॉर्मोन बनते हैं, या वो क्षेत्र जो एक तरह से अंतःस्रावण ग्रंथि की तरह कार्य करता है। ठीक है बेटा, तो इसकी लोकेशन देखो एक बार आप, लोकेशन ये कहाँ पर होती है, अगर लोकेशन में ध्यान बताऊंगा आपको तो बिल्कुल ये बेटा पेट के नीचे होती है, बिल्कुल है ना, जहाँ पर हमारा उदर या स्टमक खत्म होता है वहाँ पे ये होती है, और छोटी आंत से जुड़ी भी होती है। उसके बाद इसके हॉर्मोन सुपर इम्पोर्टेंट है, यानी कि यहाँ से जो हॉर्मोन निकलेंगे उसके नाम है ना बेटा,
तो देखो हॉर्मोन्स के मैं आपको नाम बता रहा हूँ। इसके दो हॉर्मोन यहाँ से निकलते हैं। अच्छा, ये जो हमारा अग्नाशय ग्रंथि है इसके अंदर कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो दो प्रकार की कोशिकाओं के बारे में हमें पढ़ना है। एक होती है अल्फा अल्फा कोशिका, एक होती है बीटा कोशिका। अल्फा और बीटा है ना बेटा। तो पहला हॉर्मोन जो आएगा इसका बेटा, उसको बोलते हैं हम इंसुलिन कहते हैं। ठीक है, इंसुलिन हॉर्मोन आपने सुना भी होगा। जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं, जिनको मतलब शर्करा की बीमारी होती है, शुगर होता है जिनको, तो उनको हम दवाई के रूप में इंसुलिन देते हैं, है ना। तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा। तो जो इंसुलिन होता है बेटा, तो जो इसकी बीटा सेल होती है, बीटा कोशिका है ना, यहाँ पर सेल को हम कोशिका कहूँगा हिंदी में। तो जो बीटा कोशिका होंगी बेटा, तो बीटा कोशिका द्वारा क्या होता है, इसका निर्माण होता है इस हॉर्मोन का। इसका नाम क्या होता है, इंसुलिन। अब इसका कार्य क्या है इंसुलिन का, देखो जो रक्त है बेटा, रक्त में जब क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है, यानी क्या मैं ये कह सकता हूँ जो शर्करा होती है, ठीक है, और शर्करा मेन हमारा पचकर वो ज़्यादातर साधारण शर्करा में परिवर्तित हो जाती है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज में। तो ग्लूकोज ही कहूँगा ज़्यादातर मैं उसको। तो जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बेटा बहुत अधिक हो जाती है, तो इंसुलिन जो है इसको बेटा कम कर देता है। ठीक है, इंसुलिन उसको क्या करता है, कम कर देता है। ठीक है बेटा, तो इतना ध्यान रखना है कि जो ग्लूकोज है बेटा, क्या था, ग्लूकोज था, ग्लूकोज की मात्रा बहुत अधिक हो गई है। ग्लूकोज पर काम करने वाला कौन है, इंसुलिन काम करेगा, और ये इंसुलिन इस अधिक मात्रा को ग्लूकोज की एक दूसरी फॉर्म में बेटा कन्वर्ट कर देगा, और उसको मैं क्या होता हूँ, ग्लाइकोजन कहता हूँ। हिंदी और इंग्लिश में नाम सेम है, तो आपको ऐसे ही आपको याद कर लेना है। ग्लूकोज जो है शर्करा है, शुगर है, जो ब्लड में रक्त में बहुत ज़्यादा उसकी मात्रा हो गई है, तो इंसुलिन काम करता है और वो बेटा क्या करेगा, उसको ग्लाइकोजन एक दूसरी शर्करा में कन्वर्ट कर देगा, जो कि एक तरह की जटिल शर्करा है। और ये शर्करा हमारे शरीर में मांसपेशियों में या लिवर में क्या हो जाती है, संग्रहित हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो यानी कि ग्लूकोज बन गया है अब यहाँ पर क्या, ग्लाइकोजन, किसके हेल्प से, इंसुलिन की हेल्प से। अब खुद सोचो अगर इंसुलिन कम बन रहा है, तो फिर क्या है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। इसका मतलब रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा है वो बढ़ती जाएगी, और इसी को मैं क्या बोलता हूँ, डायबिटीज कहता हूँ, बीमारी हो जाती है वो। ठीक है बेटा, तो ये आपको ध्यान रखना। तो पहला हार्मोन मैंने बताया आपको कौन सा बेटा, इंसुलिन। दूसरा हार्मोन का नाम बता रहा हूँ जो यहाँ से बनेगा बेटा। दूसरा हार्मोन जो होता है, इंग्लिश और हिंदी में नाम सेम है, तो आप, मैं इंग्लिश में नाम लिखूंगा ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन हार्मोन है, ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन क्या काम करेगा, रक्त में जो बेटा हमारी शर्करा है, रक्त में जो हमारी क्या है, शर्करा का लेवल अगर क्या हो गया है, वो मतलब कम हो गया है, जितना चाहिए उतना नहीं है उसमें, कम है, तो ये क्या करेगा, ये वाला हार्मोन बेटा आएगा और ये इस लेवल को बढ़ा देता है, यानी कि रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ाएगा। इंसुलिन के बिल्कुल विपरीत कार्य कर रहा है ये, यानी बात समझो कि जो ग्लाइकोजन था, जो शरीर में हमारा संग्रहित हुआ था मसल्स में, मांसपेशियों में, लीवर में, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन पर कार्य करेगा बेटा कौन, उसको बोलते हैं हॉर्मोन, नाम है उसका ग्लूकेगॉन। कन्फ्यूज नहीं होना, ग्लाइकोजन एक शर्करा है जो जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, पॉलीसेक्राइड है एक तरह से, और ग्लूकेगॉन जो है बेटा एक तरह का हॉर्मोन है, जो कौन बना रहा है, ये लैंगरहांस ऑफ पैंक्रियाज बना रहा है, या ये हमारा बेटा अग्नाशय बना रहा है। ठीक है, अब ये ग्लूकेगॉन क्या करने वाला है, इस ग्लाइकोजन को दोबारा से ग्लूकोज में परिवर्तित कर देगा, और जो रक्त में हमारा ग्लूकोज की मात्रा कम हो गई थी, वो दोबारा से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यानी कि इंसुलिन और ग्लूकेगॉन एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो बेटा नेक्स्ट ग्रंथि है हमारी, और उसको हम जो है, हम पेट में थोड़ा नीचे आएंगे, किडनी आएंगी, किडनी को बोलते हैं वृक। तो वृक पर बेटा दो ग्रंथि पाई जाती हैं, उनको बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि। तो बेटा हेडिंग लिखिए एड्रिनल ग्रंथि। बेटा अब हमें पढ़ना है एड्रिनल ग्रंथि, तो उसको हिंदी में, प्योर हिंदी में उसको अधिवृक्क ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, और इंग्लिश में कहेंगे इसको एड्रिनल। तो एड्रिनल ग्रंथि जो हमारी है, तो ये कहाँ मिलती है, किडनी के बिल्कुल ऊपर मिलती है, तो इसका मतलब दो होंगी ना, ये जोड़ों में मिलती है, दो होती हैं बेटा। आपको करना क्या है कि ग्रंथि कुछ इस तरह होती है, इस तरह की शेप इसकी मान लें अगर हम, तो बेटा दो भाग होते हैं इसके, अंदर वाले को बोलते हैं मेडुला और बाहर वाले को बोलते हैं कोर्टेक्स, है ना बेटा। ये कहलाता है कोर्टेक्स और ये कहलाता है बेटा मेडुला, ये नाम होता है मेडुला। अब कहानी क्या है कि कुछ हॉर्मोन यहाँ से निकलते हैं, कुछ हॉर्मोन यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, ये जो मेडुला है, मेडुला से बेटा दो हॉर्मोन निकलने वाले हैं। एक का नाम होता है, ये सुपर इम्पोर्टेंट है बेटा, ये वाला हॉर्मोन एड्रेनलाइन, एड्रेनलाइन या हिंदी में कहेंगे एड्रेनलिन, मैं इसको हिंदी में यहाँ लिख रहा हूँ एड्री
नलीन, और बेटा दूसरा होता है नोर एड्रेनलाइन, नोर एड्रेनलाइन। तो हॉर्मोन तो हालांकि पहले वाले आपको याद रखना है, दूसरा तो भले ही भूल जाना क्योंकि सुपर इम्पोर्टेंट पहला वाला एड्रेनलाइन। ये क्या काम करता है, ये आकस्मिक स्थिति जो आ जाती है, एमरजेंसी लाइक सिचुएशन, वहाँ हमारे शरीर को तैयार करता है। जैसे अगर कोई खतरनाक चीज़ हमारे सामने आ गई है, शेर आ गया, तो हम या तो उससे फाइट करेंगे या हम उससे डर जाएंगे एकदम से, या हम वहाँ से मतलब फ्लाइट कर जाएंगे। तो ये हमें तैयार करता है हमारे शरीर को 3F के लिए। बेटा क्या करता है, तैयार करता है। पहला तो ऑब्वियस बात है फियर, डर, और दूसरा क्या होगा बेटा फाइट, और तीसरा जो है उसको मैं फ्लाइट कहता हूँ, है ना। फ्लाइट का मतलब भाग जाना होता है, ठीक है। तो ये तीनों स्थिति कैसी हैं, आपको पता है आकस्मिक हैं, एक तरह से आपातकाल स्थिति हैं। तो जब हमारे सामने कुछ आपातकाल स्थिति आती है, आकस्मिक स्थिति आती है, तो ये हमारे शरीर को तैयार करता है। नाम क्या है इसका बेटा, एड्रेनलाइन। ये दोनों ही मिलकर लगभग सेम काम करते हैं, ठीक है। अभी तो इसका हार्मोन का मैंने कार्य आपको बताया है कि फियर, फाइट और फ्लाइट, ठीक है बेटा। उसके बाद में कोर्टेक्स वाला जो हिस्सा था इस ग्लैंड का, यहाँ से कुछ हार्मोन निकलते हैं, हालांकि वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आप सुन लो। पहला हार्मोन रहेगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और दूसरा रहेगा बेटा मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स, और तीसरा भी आता है उसको बोलते हैं सेक्सो कॉर्टिकॉइड्स। तो बेटा बहुत आसान है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करेगा, जो वसा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, उनके उपापचन से, उनके उपापचन को ये क्या करता है, नियंत्रित करता है। हालांकि वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना, जब थायराइड ग्लैंड के मैंने हार्मोन बताए थे, ठीक है। तो ये वसा और जो बेटा हमारी क्या होती है प्रोटीन वगैरह होती हैं, तो उनका जो उपापचन है ना बेटा, उनका जो उपापचन है उसको क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। मिनरलोकोर्टिकॉइड्स, मिनरल इसका मतलब क्या होता है, खनिज होता है, ठीक है बेटा। तो जो खनिजों का बेटा क्या होता है, नियमन करता है, हमारे शरीर में मिनरल्स की कितनी जरूरत है उस चीज़ को कंट्रोल करता है। और सेक्सोकोर्टिकॉइड्स हमारा जो मतलब एक तरह से समझो कि जो सेक्स को लेकर कुछ चीज़ें हैं, जो मैं कह सकता हूँ कि जो हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं, तो उसमें थोड़ा सा ये बेटा क्या करता है, सहायता करता है, है ना बेटा। तो इस तरीके से हम ये पूरी अधिवृक्क ग्रंथियाँ हैं उसको बेटा आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें दो हार्मोन आपको ध्यान रखना है, एक तो कौन सा, एड्रेनलाइन, और दूसरा चाहो तो आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बेटा ध्यान रख सकते हो। ज़्यादा ही पूछते हैं, आप पूछेगा आपसे कि वो कौन सा हार्मोन है जो आकस्मिक स्थिति में हमें तैयार करता है। बेटा बस लास्ट है ये मतलब टॉपिक आज का। अभी जो हमारी ग्लैंड रह गई हैं, वो हमारी बेटा जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, वो एक तरह से ग्लैंड के कार्य करते हैं। तो उन दोनों को मिला के मैं क्या बोलता हूँ, जनन ग्रंथि कहता हूँ, है ना बेटा। तो जनन ग्रंथि बेटा दो होती हैं, पुरुषों में अलग होती है, महिलाओं में अलग होती हैं, ठीक है बेटा। तो अगर मैं पुरुषों की बात करूँगा, तो वहाँ पर बेटा ग्रंथि का नाम होता है टेस्टिस, है ना, टेस्टिस होते हैं, और टेस्टिस ये ग्रंथि है अपने आप में, जनन ग्रंथि होती है। और यहाँ से जो हार्मोन है उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। बेटा हिंदी और इंग्लिश में प्लीज ध्यान रखना, नाम सेम है इसलिए मैं आज इंग्लिश ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि नाम ही है बस, है ना। तो टेस्टोस्टेरोन, इस हार्मोन का कार्य क्या है, ये बेटा हमारा हार्मोन है, ठीक है, ये हमारा हार्मोन है। और इस हार्मोन का कार्य क्या है कि शरीर में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं, आपने देखा होगा कि मूंछ, दाढ़ी आ जाती है जब लड़के जवान होते हैं, उनकी आवाज़ मोटी हो जाती है, है ना। तो इस तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं, गुण होते हैं, उनको बोलते हैं हम क्या, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो बेटा उन कैरेक्टर्स को ये क्या करता है, स्थापित करने में सहायता करता है। तो इसका काम तो इतना ही था। दूसरा, अगर मैं महिलाओं की बात करूँगा, तो महिलाओं में जो ग्रंथि होगी उसको बेटा मैं क्या बोलता हूँ, अंडाशय कहूँगा, अंडाशय ग्रंथि है, इंग्लिश में इसको ओवरी कहा जाता है, हिंदी में इसको भी ध्यान रखना चाहो तो आप बेटा इसको क्या कहते हैं, वृषण कहते हैं, क्या बोलते हैं, वृषण। और अंडाशय की बात करो, अंडाशय को ओवरी कहा जाएगा। यहाँ से दो हार्मोन आएंगे बेटा, देखो पहला जो हार्मोन है उसको मैं बोलता हूँ ईस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन, है ना बेटा, ईस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन। अब ईस्ट्रोजन क्या करता है, ये भी हमारा क्या करेगा बेटा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है, है ना, जो जब महिलाएं, जो लड़कियां मतलब जब एक तरह से वो व्यस्क होती हैं, तो उनके शरीर में कुछ बदलाव आते हैं, तो उन्हीं को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, है ना बेटा। तो मैं यहाँ पे लिख दिया है ये। और बेटा लास्ट में जो हार्मोन है इसका, तो बेटा उसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन ये हार्मोन है, जब महिलाएं गर्भवती होती हैं तो ये हार्मोन उस टाइम क्या करता है बेटा, कार्य करता है, ठीक है। तो ये गर्भ से लेकर है ये वाला हार्मोन, कहाँ मिलेगा, महिलाओं में,
और ये वाला सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर से है, जो जो दूसरे वाले मतलब जो लिंग वाले एक तरह से कारक हैं, कैरेक्टर्स हैं, ये उसको विकास करने में, विकसित करने में सहायता करता है। तो बेटा ये था हमारा पूरा अंतःस्रावी तंत्र। इसमें मैंने बहुत सारी आपको ग्रंथि कराई, उनके हॉर्मोन कराए, उनके हॉर्मोन से कार्य कराए। अगर आपके कोई सुझाव हमारे लिए हैं तो कमेंट सेक्शन बेटा हमारा बिल्कुल आपके लिए ओपन है, प्लीज़ कमेंट कीजिए। वो आपके जो कमेंट होंगे वो हमारे लिए बहुत वैल्यूबल हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। और हमारे चैनल को जो इसका नाम है ब्लू प्रिंट डिजिटल, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप सही टाइम पे अपने उन अपने ज्ञान को बेटा बढ़ा सकें। तो बेटा मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, बाय।